जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत आने वाले गांव मानपुर में एक महीना पहले मनोज कश्यप के गांव के ही दबंगों ने घर से बुलाकर हत्या कर दी थी। मृतक के परिजन तब से ही न्याय की आस में अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे और थक हार कर मृतक मनोज की पत्नी ने पीडीए जनसुनवाई कर रहे पूर्व जज मनोज कुमार से अपनी पीड़ा बताकर न्याय की गुहार लगाई, जिस पर सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक प्रतिनिधि मंडल के गांव मानपुर भेजा। सपा प्रमुख के इस कदम से जिले की राजनीति में खलबली मची गई और प्रतिनिधि मंडल ने शोकाकुल परिवार से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली और दिलासा देकर न्याय दिलवाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कराने का हर संभव प्रयास करने का वादा किया। सेनानी जी, आप कोतवाली देहात के गांव मानपुर में आए हैं, इसके संबंध में जान रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो मनोज कश्यप थे मानपुर के रहने वाले, इनकी निर्मम हत्या की गई। उस हत्या के संबंध में समाजवादी पार्टी ने प्रतिनिधि मंडल भेजा है, जिसमें हमारे विधायक आदरणीय मनोज पारस जी और हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे आदरणीय लोकसभा के मनोज कुमार जी जज साहब और हमारे जिलाध्यक्ष जी जाकिर हुसैन जी और बीके कश्यप जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को इनके यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पार्टी आई है और साथ ही साथ में पूरी घटना की जानकारी लेने के लिए इनको कानूनी मदद आज तक नहीं मिल पा रही है। ये गरीबों को न्याय कब मिलेगी? ये सरकार जो योगी सरकार कह रही है हम गरीबों के साथ में हैं, गरीबों को न्याय कब मिलेगा? इनके पति की हत्या हो गई, तीन तीन बच्चे हैं, गरीब परिवार है, इस परिवार को कोई सुनने वाला नहीं। जिन लोगों पे इन लोगों ने आरोप लगाया, जो आरोपी लोग हैं उनको बैठाल के छोड़ दिया गया। क्या है उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं सुनने, क्योंकि ये कश्यप परिवार है, ये कश्यप समाज का है, धीमर है, गरीब है, इसकी कोई सुनने वाला नहीं। और ये एक घटना नहीं है, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया हूँ, कल बुलंदशहर गया था, उसी तरीके की घटना है। एक पूर्व प्रधान रामवीर कश्यप की हत्या कर दी गई, एक कश्यप समाज की बेटी है उसके साथ में दुराचार कर दिया गया। यहाँ समझशाही है, कोई तानाशाही है, यहाँ कोई सुनी नहीं रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये लोग